जो हमारी भारत माता की मूर्ति की तरफ बढ़ने को, उस युद्ध के अंदर पहली बार इस देश के अंदर यह स्थिति बनी है कि एक जगह पर एक व्यक्ति, एक नेतृत्वकर्ता आपके सामने उदाहरण लेकर खड़ा है और एक तरफ वो सारे दल खड़े हैं जिनके पास ना तो नेतृत्व है ना उनके पास कोई नेता, न सोच है न विजन। पिछली बार मोहम्मद गोरी को हराने के चक्कर में जयचंद को जिता दिया था, इस बार ध्यान रखना और यहां पर दम भर के कहना, अब के मोहम्मद गोरी भी आएगा और जयचंद भी आएगा, पृथ्वीराज का अंचौर की तमसीर आप सबके हाथ के अंदर है, आप उसे सिद्ध करके दिखाई। भाइयों, इस क्षेत्र की जनता ने यह सिद्ध करके दिखाया, यहां की उपस्थिति बता रही है, आयोजक मंडल अपने आप में बधाई के पात्र है कि मन बन चुका है इस देश के अंदर अगर अब कोई आने वाला है, इस देश को बचाने के लिए कोई चलने वाला है, उसको समर्थन देने के लिए तैयार है, वो पूरा देश खड़ा है, वो नरेंद्र मोदी है। आपने इस चीज को सिद्ध किया, मैं आपके सामने से उन दो पॉइंट रखना चाहूंगा, वक्तागण ज्यादा है इसलिए मैं अपने सुख में इंतजार रख रहा हूं। बदो बहुत जिस प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेट ने एक दुस्साहस करके और ध्रुवीकरण करने के कारण 41% का दम भरा है और हमारे नेता के बारे में टिप्पणी करी, हम सब कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे बारे में 20 बार कोई विचार आता है, कोई कहता है, कुछ बोलता है, हमें रिएक्शन करना होता है, नहीं करना होता, वो अपनी जगह पर, लेकिन ये नेता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, पूरे देश का नेता है, उस देश के नेता के बारे में आपने कोई टिप्पणी करी है और यहां पर 10 तारीख को आपको उसका जवाब देना है। अगर वो 41% की बाजुओं का दम भरकर ये कहता हो कि हम नरेंद्र मोदी के साथ ये कर देंगे, तो आप अपनी उंगली का दम दिखा देना और वो दम दिखा देना कि उसके बाद किसी की हिम्मत ना हो, फिर तभी भर सके नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।